इंदौर में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, बिल्डिंगों में यहां पर जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक बार फिर से दहशत का माहौल देखा जा रहा है। आपको हम लोग जो नजारा दिखा रहे हैं वो इंदौर के आरएनटी मार्ग स्थित एक बहुमंजिला इमारत का नजारा है, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और लोग यहां पर जैसे ही भूकंप का आभास हुआ उसके बाद बिल्डिंगों से बाहर निकल आए हैं, दहशत लोगों में है और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों में भूकंप को लेकर एक हड़कंप की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। साफ तौर पर नजारा दिखाई दे रहा है कि भूकंप की कितनी दहशत है और बिल्डिंगों से लोग बाहर निकल आए हैं। जिस तरह से पिछले दिनों भी इंदौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे उसके बाद कहीं ना कहीं आज एक बार फिर से भूकंप ने कहीं यहाँ पर बिल्डिंगों को हिलाया है। कहीं जगह पर जो है वो कांच के टूटने की जो है वो बातें भी सामने आई हैं और लोगों में भी भूकंप के बाद में एक दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। भाई साहब, क्या उस वक्त स्थिति हुई थी, कौन सा ऑफिस है और क्या उस वक्त का नज़ारा था? एक्चुअली मैं ट्राइफेड से जब मैं काम करता हूँ और मैं वर्किंग कर रहा था तो सिस्टम मेरे फ्लक्चुएट हो रहे थे, हिल रहे थे और तब एहसास हुआ किस टाइम पे भूकंप आया है। तब हमें लगा पिछली बार के कंपेरिजन में इस बार में तेज भूकंप। आप भी भैया उस वक्त वहाँ मौजूद थे, क्या स्थिति थी, क्या नजारा था? पिछली बार भूकंप आया था उस वक्त और आज की स्थिति में क्या फर्क देखते हैं? पिछली बार थोड़ा सा झटका कम देखने को मिला, इस बार तो हमने लाइव खड़े होकर भी देखा कि सिस्टम हिल रहे थे हमारे, तो हमारे सर जो थे उन्होंने बोला कि हम लोग नीचे जाएं, उसके बाद सभी को ऑफिस से बाहर हो गया और आप देख भी रहे हो कि सभी लोग नीचे आ गए हैं। काफी लाइव देखा इस बार, सिस्टम हिलते हुए, टेबल हिलते हुए देखा। आप भी उस वक्त तो अभी ऐसा मौजूद थे, क्या स्थिति थी उस वक्त भूकंप आया और आप क्या स्थिति दिखाई दे रही है? स्थिति तो सेम ही दिख रही है आज भी और जितना उस दिन था आज भी वही है थोड़ी सी। आपका नाम? श्याम। तो ये कहीं ना कहीं भूकंप के बाद जो है वो स्थिति यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है और भूकंप के बाद हड़कंप जरूर इंदौर में एक बार फिर से मच गया है। कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ पीयूष पारे, डी लाइव न्यूज इंदौर।